दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 500 लाइक्स, इसलिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की बल्लेबाजी इस मैच में बेहद खराब रही। लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा को पहले T20 मैच में खिलाया जाना चाहिए था या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। पहले T20 मुकाबले में भारत के लिए भारतीय पारी की शुरुआत अनुभवी शिखर धवन और KL राहुल करने उतरे। दूसरे ओवर में ही भारतीय टीम को पहला झटका लगा। KL राहुल को जोफ्रा आर्चर ने एक रन के स्कोर पर बोल्ड कर वापस भेज दिया। आदिल रशीद ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को शून्य पर आउट कर बड़ा झटका दिया। मार्क वुड ने 4 रन पर खेल रहे शिखर धवन को बोल्ड कर भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। बेन स्टोक्स ने 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को जॉनी बेरस्तो के हाथों कैच आउट करवाकर टीम को चौथी सफलता दिलाई। श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम की लगातार गिरती विकेटों के बीच में पारी को संभाला और 36 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 50 रन पूरे किए। भारतीय टीम को पांचवा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लगा, जो कि 19 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर क्रिस जॉर्डन को कैच दे बैठे। अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर बिना खाता खोले वापस लौट गए। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम का पहला विकेट 72 रन पर गिरा और चहल को यह सफलता मिली। चहल ने ओपनर बल्लेबाज जॉश बटलर को 28 रन पर LBW कर दिया। जैसन रॉय को वॉशिंगटन सुंदर ने 49 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। इंग्लैंड ने 15.3 ओवर में 2 विकेट गवाकर जीत हासिल कर ली और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस हार के बाद ही भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान सामने आया। हार्दिक पांड्या ने कहा कि पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम का हारना बेहद ही शर्मनाक है, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा, जिसकी वजह से शुरुआत में हमारे बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बन चुका था और इससे पहले कि हमारे बल्लेबाज उस दबाव से निकलते विकेट लगातार गिरते रहे और कोई भी बल्लेबाज पिच पर सेट नहीं हो सका। हमारे 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और शिखर धवन भारतीय टीम को दबाव में निकाल सकते थे। लेकिन इस बीच शिखर धवन ने भी टीम को निराश कर दिया और 20 रन के स्कोर पर ही अपना विकेट गवा बैठे। और हाँ, 20 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे टीम इंडिया के, जिसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। और जब मैं बल्लेबाजी करने आया तो मुझे विकेट भी बचाने थे और तेज गति से रन भी बनाने थे, क्योंकि हमारा स्कोरिंग रेट बहुत ही ज्यादा धीमा था। लेकिन इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने कहा कि अगर रोहित शर्मा इस मैच में होते तो शायद मैच का नजारा ही कुछ और होता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रोहित शर्मा इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं और हालिया टेस्ट सीरीज में उन्होंने शानदार पारियां खेली हैं। अगर भारतीय टीम के लिए वो पहला T20 मैच खेलते तो शायद भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत दिला सकते थे, जिसकी वजह से प्रेशर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर आ सकता था और हमारे बल्लेबाज तेज गति से रन बनाने में कामयाब हो सकते थे, क्योंकि रोहित शर्मा के पास वो काबिलियत है कि वो तेज गति से बल्लेबाजी कर सकते हैं और प्रेशर सारा गेंदबाजों के ऊपर डाल सकते थे। लेकिन हमारा कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक नहीं सका, जिसकी वजह से शुरुआत में ही दबाव पूरी तरह से हम पर आ गया, जो कि हमारी हार का कारण बना। और साथ ही गेंदबाजी की बात करें तो उनमें भी वो जज्बा देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारा स्कोर ही बहुत कम था। अगर हमने अच्छी शुरुआत की होती और हम एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होते तो बाजरा कुछ और ही होता। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि दूसरे T20 मैच में रोहित शर्मा को खिलाया जाना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।